यह जलगांव दामोद से बहरानपुर जो रास्ता जा रहा है घने जंगलों के बीच में से, तो ये 3 फुटी है। यहाँ से एक रास्ता भिंगार की ओर जाता है, यहाँ से शाहपुर जो कि मध्य प्रदेश में बसा है वो पुलिस थाने की हर सीमा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और यही वो रास्ता है जो भिंगारा और 40 टापरी जाता है, जो आज तक बना नहीं है। और आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र की सीमा है, यहाँ से ये वन विभाग से ये रास्ता जा रहा है, तो ये अंतर्राज्यीय तो हो गया, लेकिन बुलढाणा का रास्ता अभी तक स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हो नहीं पाया है। तो सभी जो लोक प्रतिनिधि आज तक रहे, जिन्होंने किसी ने भी इस रास्ते पर और इस गांव की बिजली यानी मूलभूत सुविधा जो है संवैधानिक हक अधिकार है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये गांव के वासी भिंगारा के जो सब नागरिक यहाँ पे खड़े हैं अभी, उनसे हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या समस्या है आपकी। हाँ, 3 से 4 किलोमीटर रोड है भिंगारा का, बहुत सालों से इतनी दिक्कत जा रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है, रोड नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात, दवाखाना भी नहीं है गांव में, पेशेंट के लिए भी बहुत तकलीफ है आने जाने की, बिजली का और बिजली भी नहीं जा रही, रोड की तकलीफ है हमको, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके आखिर फाइनल तो हुए, ग्रेजुएशन होकर भी घर पे बैठे है, क्योंकि उनको जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, इस कारण से बच्चे घर पे बैठ रहे है, कोई सहूलत नहीं मिल रही है। बाद में पढ़ाई करके, पढ़ाई होने के बाद अगर सर्विस नहीं मिल रही है, कास्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर बच्चा आगे चलकर खेती में काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए फिर वो कोई नशा कर ले रहा है, कोई माँ बाप के प्रेशर में आके खेती का काम नहीं आता है उसको, उसकी तो बहुत दिक्कत आ रही है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इस वजह से बच्चों में व्यसनाधीनता भी बढ़ रही है इनका कहना है। और हम देखेंगे कि बगल में यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कलोरी गांव है, वहाँ पे बिजली हाँ, तो एमपी का गांव कलोरी पहला लगता है, 2 किलोमीटर पे वहाँ पे बिजली है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार यहाँ तक नहीं दे पा रही है। इसलिए भिंगारा वासियों ने ये भी कल बोला है निवेदन में कि हमको ये मूलभूत सुविधा यदि नहीं मिलती है तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिली तो हम एमपी में जाने को तैयार है, ऐसा उन्होंने इशारा भी दिया हुआ है। तो इस पे क्या कहोगे आप? वो तो हमारा हक है, जब एमपी में हमको कास्ट मिल रहा है हाँ, वो भी तो अपने इंडिया में ही है हाँ, तो वहाँ की सरकार जब दे रही है तो यहाँ की देने में क्या दिक्कत आ रही है, इनको भी देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम तो है आदिवासी, हमको तो कास्ट है हाँ, सरकार तो एक ही है, पंत प्रधान तो एक ही है, राज्य राज्य का अलग थोड़ी होता है, नहीं तो जब दे रहे थे वो तो अभी तो राज्य में भी उन्हीं की सरकार है और केंद्र में भी उन्हीं की है, तो फिर दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, मिलना चाहिए और जो बच्चे घर पे बैठे उनको कुछ न कुछ रोजगार मिलना चाहिए, कुछ नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। तो इनका बेरोजगारी का जो मसला है और बिजली का मसला है, मतलब जो संवैधानिक हक अधिकार संविधान ने दिए हैं उसको ये कब पाएंगे, अभी आने वाला कल बताएंगा, क्योंकि अभी जो सीमा प्रश्न है कर्नाटक का भी अभी काफ़ी गर्मा चुका है, तो अभी ये एमपी और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है यहाँ पे भी ये जो मसाइल है ये बहुत ही गर्मा चुका है, तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे, ऐसा हम उबंटू उलगुलान चैनल की तरफ से नम्र निवेदन करते हैं महाराष्ट्र शासन को कि इन आदिवासियों को एमपी में समाविष्ट होने से परावृत्त करके उन्हें महाराष्ट्र में रोका जाए। जय महाराष्ट्र, जय भारत। जान मुट्ठी में लेकर इस रास्ते से चलना पड़ता है।
बोल्डर जो है, इन बोल्डरों के बीच में से बाइक निकालना मुश्किल है। तो ये एम्बुलेंस या कार यहाँ पे चलना कितना मुश्किल होगा, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े बोल्डर, तो यह है पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ भिंगारा गांव, जिसकी जनसंख्या लगभग 5,000 के करीब है और यहां से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर आगे 40 टापरी और उसके आगे 2.5 किलोमीटर पर गोमाड़ एक, फिर 2 किलोमीटर पर गोमाड़ दो बसा हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी कहा जा रहा है कि अमृतकाल है, तो ये गांव आज भी मूलभूत सुविधा जैसे रास्ता और बिजली और गोमाल 40 टापरी पानी से भी महरूम है। तो महाराष्ट्र शासन इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है एमपी का इलाका चालू होता है और एमपी के जो तमाम गांव है, कलोरी हो, जसोंदी हो, उसारनी हो, इन सब गांव में जम्मू पानी हो बिजली पहुंची हुई है। तो हमारे चैनल की ओर से हम महाराष्ट्र शासन प्रशासन को और लोक प्रतिनिधियों को, तमाम पक्ष के लोक प्रतिनिधियों को हम आह्वान करते हैं कि इस गांव को तुरंत जल्द से जल्द युद्ध पथरी पर इनकी सुविधाएं उपलब्ध की जाए। उसके अलावा इनको कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आदिवासी संस्कृति के परिचायक है, भिलाला हो, पावरा हो, ये बगल के जलगांव नंदुरबार में इन्हीं के रिश्तेदारों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ पे बुलडाना प्रशासन उनको आज तक दे नहीं पाया। तो ये भी कास्ट सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इनको उपलब्ध कराया जाए। और उसके अलावा 2007 का जो वन कानून था, उसके मुताबिक जल जंगल जमीन पर ये पिछले 50 साल से यहाँ पे खेती जोत रहे हैं, तो इनको उनके पट्टे दिलाए जाए। ये निम्र निवेदन करते हुए जय महाराष्ट्र, जय भारत।